अस्सलाम वालेकुम, आज हम यहाँ पर हैं फैसलाबाद में। टेक्सटाइल एशिया की एक एग्जीबिशन हो रही है 2022 के नाम से, जिसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। इंडस्ट्रीज़ में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी शामिल है, जिसमें मशीन्स, थ्रेड्स और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ एब्रा ट्रेडर्स आई गेस एरफिन के नाम से ये कंपनी है। इसमें भी मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ को कवर करती हैं। तो मिलते हैं इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो आप काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि ये जो आपने स्टॉल है आपका, ये कैसा रिस्पांस है? आज आपका फर्स्ट डे है और ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें कि क्या प्रोडक्ट है आपकी। बेसिकली नाम से बात है टेक्सटाइल एशिया एग्जीबिशन, तो हमारे प्रोडक्ट्स भी टेक्सटाइल और इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। हम डिफरेंट सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जिसमें मेनली एक्सपेंशन जॉइंट्स, कॉर्नर गार्ड, वॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, ग्लास रेलिंग, मैनोन कवर्स, ग्रेटिंग्स, ये सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि टेक्सटाइल में काफ़ी यूज़ होती हैं। तो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हमने काम किया हुआ है। अब जैसे अगर मिसाल लें यहाँ की, तो एक्सपेंशन जॉइंट्स ये हर इंडस्ट्री टेक्सटाइल एशिया को उसमें लगती है। ठीक है, एक्सपेंशन जॉइंट आगे मौजूद है। वॉल प्रोटेक्शन, टेक्सटाइल में ट्रॉलीज की मूवमेंट ज़्यादा होती है तो वहाँ ये वॉल को प्रोटेक्ट करती है। इसका कुछ आपने वहाँ पे भी डिस्प्ले किया हुआ है पेनाफ्लेक्स के थ्रू। ये सारे पेनाफ्लेक्स इसी प्रोडक्ट्स को, इसी तरह टायर मूवमेंट जॉइंट्स, सही है। काफ़ी कंपनीज में, काफ़ी इंडस्ट्रीज में, काफ़ी टेक्सटाइल में हमने ये दिए हैं। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। ये है हैवी ड्यूटी एक्सपेंशन जॉइंट्स। ठीक है, हैवी लोड कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है तो यहाँ वहाँ ये यूज होता है, फॉक लिफ्टर वगैरह। ये सिलिका फ्यूम कॉन्क्रीट में यूज होगी। सिलिका फ्यूम की तो आजकल बहुत डिमांड है, मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ये यूज हो रही होती है। ये किससे यूज होती है? ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर हाई राइज बिल्डिंग इंडस्ट्री वो बात नहीं रहती। इसमें स्ट्रेंथ के लिए यूज होती है। अब अगर बात करें इसकी एक्सपेंशन जॉइंट की अगर बात करें, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है वाटर लीकेज का। ओपन टू स्काई एरिया है, वाटर का फ्लो ज़्यादा है, तो इसके लिए हम वाटर टाइट एक्सपेंशन जॉइंट यूज़ करते हैं। और ये क्या चीज़ें रखी हुई हैं आप लोगों ने, ये जो बड़ी से एक कुछ कवर से बड़ा यूनिक आइटम लग रहा है, ये क्या चीज़ है? ये आपने देख रहा होगा टेक्सटाइल मिल में या फिर इंडस्ट्रीज में पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये ड्रेनिंग सिस्टम है। ये सारा ड्रेनिंग सिस्टम है, सही है। ये मैनहोल कवर है, वॉल प्रोटेक्शन, कॉर्नर गार्ड है, ये सारे इसके रेलिवेंट पोस्टर्स हैं। इसके अलावा ये हाइड्रोप्लेक्स के थ्रू हम इसका वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर लीकेज का। वेरी नाइस, ये तो इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, इसके बगैर मतलब वो बात नहीं होती। ये जो आपने डोर्स लगाए हुए हैं, ये किस तरह के डोर्स हैं? आई गेस ये इंडस्ट्रीज में बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए होता है, क्या है ये चीज़? ये कोई भी शॉपिंग मॉल हो, इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, वहाँ आग लगने का वो होता है, ये सारे फायर रेटेड डोर हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है ना, टेक्सटाइल में तो आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है, तो आप लोग ये डोर्स कहाँ के लिए हैं? चाइना मेड है या क्या? ये जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है वो इम्पोर्टेड है, मेनली हम टर्की से इम्पोर्ट कर रहे हैं। आरफिन टर्किश ब्रांड है, उसके हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में, इब्रा के नाम से, इब्रा के नाम से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब अगर बात की जाए ये टाइल्स, तो ये इंडस्ट्रियल टाइल्स ये ऑफिस में भी यूज होंगी, प्लग एंड प्ले है। ये देखें, ये पीवीसी टाइल है, सेरेमिक नहीं है, पीवीसी है, हैवी लोड कैपेसिटी भी बियर कर लेगी, और ये यूके ब्रांड है। ठीक है, ये तो बहुत फाइन क्वालिटी लग रही है जी, बिल्कुल। अब अगर आप यहाँ, तो ये डिफरेंट ट्रिम प्रोफाइल है, हैंडल सिस्टम है, वॉल प्रोटेक्शन है। अच्छा, ये बताइए ये जो कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये किस पर्पज के लिए यूज होता है? ये वाटर लीकेज का ट्रीटमेंट है, एक्सपेंशन जॉइंट है, प्रॉपर वाटर लीकेज का ट्रीटमेंट है इस एक्सपेंशन जॉइंट के। ठीक है, वेरी नाइस। और ये क्या आप लोग ब्रिजेस में भी डील करते हैं? जी, हम डिफरेंट ब्रिजेस में भी डील करते हैं, काफी हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं गवर्नमेंट सेक्टर। आई गेस ये जो लिस्ट लगाई हुई है आपने, ये प्रोजेक्ट जो आपने किए हुए उसी की लिस्ट है जी? ये आज यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कवर किया हुआ है, ब्रिजेस के भी प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स के प्रोजेक्ट हैं।
तो ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हमने काम किया हुआ है, हमारी प्रोडक्ट्स लगी हुई है उसमें, एक्सपेंशन ज्वाइंट भी है, बैरिंग पैड भी है, मतलब ब्रिज से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये देखें वो हमारे पास मौजूद होते हैं। ब्रिज पे डील करना इतना आसान काम नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज ब्रिज से है, ब्रिज से स्टार्ट किया हमने बिल्डिंग में, अब माशाल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जितने भी वेल नोन बिल्डर्स हैं वो उनके साथ हम डील कर रहे हैं। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया, बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स है आपकी, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।